मीडिया प्लीज आप आके बात करें कि इंडिपेंडेंट मीडिया के हवाले से जो आपके ख्याल है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम साथियों दोस्तों भाई बहनों, बहुत शुक्रिया तलत फॉर इनवाइटिंग मी। मैं पहले वाले प्रोग्राम में नहीं आ सकी, पर आई प्रॉमिस थी कि मैं जब भी वापस आऊँगी तो मैं ज़रूर शामिल होंगी। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आऊँ और पार्टिसिपेट कर सकूँ। मेरा जो पार्टिसिपेट करने का जो रीज़न है वो काफ़ी सारा है, लेकिन मैं चाहूँगी कि कंसाइज भी करूँ और टू द पॉइंट बात की जाए, क्योंकि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने की वजह से आई एम समवेयर के मेरी एक अपनी लालच भी जुड़ी हुई है इस चीज़ के साथ। मैं स्ट्रेट अवे अगर बात करूँ तो बजाय इसके लिए उसको तफसील में जाने के, तो इसलिए क्योंकि आप इंटरेस्ट के बगैर आप कोई भी काम जो है ना तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, ना ही आप उस पर तवज्जो देते हैं, और ना ही आप उसको किसी भी तरीके से जो है उसके लिए उसके बढ़ने और फलने फूलने के लिए जो है वो कहीं काविश करते हैं। तो मेरी एक दोस्त थे तो मुझे उन्होंने कहने लगे कि देखें आप पॉलिटिक्स में हैं जो ना अर्निंग यानी सिंगल पेनी फ्रॉम आउट ऑफ इट, और आप अपना टाइम भी कर रहे हैं और इस तरह योर मदर वॉज देयर और दिस 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 दिस। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी जो है ना हमें ऐसे लग रहा है कि खुदा की राह में कोई काम हो रहा है। तो मुझे जवाब सुनने के बाद पहले तो बहुत हंसी आई, लेकिन मैंने जो उसको आंसर दिया वो ये था कि आई एम अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही कि जो किसी के लिए कर रही हूँ। पॉलिटिक्स इज़ माई प्रोफेशन ऑल्सो एंड माई पैशन एज वेल। उसकी रीज़न ये है कि मैं ऐसा माहौल चाहती हूँ कि जहाँ पे हम लोग रिलैक्स होकर रह सकें, जहाँ हमारे पास माशरती और सियासी और जो है वो समाजी एतबार से इतनी स्पेस मौजूद हो कि हम अपनी ज़िंदगियों को अपने मकता फिक्र के हवाले से या अपनी सोच और समझ के हवाले से गुजार सकें। और मैं इर्द गिर्द ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ऐसे जगह पे महफूज रहें कि जहाँ वो अपना उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, उनको हमारे पास हमारे लोगों के पास मेरी फैमिली के पास जो है वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन हो, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन हो। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए मुझे लगता है कि कोई ना कोई जदोजहद करनी पड़ती है, इसके बगैर नहीं आ सकती। तो इन सब का हसूल जो है मुझे लगता है कि वाहिद चीज़ जो है कि वो अपना हिस्सा डाला जाए। तो इसलिए आई एम अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें अपने लिए भी चाहिए। तो जब ऑटोमेटिकली मुझे अपने लिए चाहिए, मुझे अपनी फैमिली के लिए चाहिए, तो डेफिनेटली माई फ्रेंड्स कम्स आफ्टर दैट। तो फिर वो हमारे दोस्त भी आ जाते हैं, फिर मोहल्ले वाले भी आ जाते हैं, फिर अल्टीमेटली पूरी सोसाइटी आ जाती है। इसलिए ये कि इस मैं ये समझती हूँ कि इस अमल की बहुत ज़रूरत है, और उसके लिए वही वाली बात है कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस की बहुत ज़रूरत है। ये सारी जो मेरी बात है, ये जो मेरी सोच थी वो मैंने अपने दोस्त को बताई, लेकिन आज आप सबको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पता चली कि मैं क्यों चाहती हूँ ये चीज़। और वो प्लेटफॉर्म हम सब लोग चाहते हैं, रियासत के लोग बिलखसूस, क्योंकि उनकी अपने पास कोई ज़ुबान नहीं है, उनकी कोई आवाज़ नहीं है जो कि सब तक एक दूसरे तक पहुँचाई जाए, बल्कि इवन कि अपने आप तक भी सुनने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं है कि वो ये क्या सोचते हैं। जैसे कि मैं कोई चीज़ सोचती हूँ तो मुझे दिल चाहता है कि मैं आई शुड राइट टू माई सेल्फ, तो मुझे एकदम से होता है कि उसके बाद फिर मेरा सेकेंड इंटरेस्ट ये होता है कि भाई मेरी बेटी भी जाने ये बारे में, फिर मुझे ये होता है कि मेरे हस्बैंड भी जाने या मेरे दोस्त भी जाने, क्योंकि मुझे उनका एक फीडबैक भी चाहिए आया मेरी, क्योंकि आपका डिस्कशन और डिबेट स्टार्ट हो जाता है। और ये अल्टीमेटली आपके पास वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होने चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी आवाज़ दूसरे तक पहुँचाओ, उसकी आवाज़ आप तक पहुँचे, और फिर डिस्कशन और डिबेट के थ्रू आपके पास जो नज़रियाती तौर पे जो शौरी तौर पे जो एक आप कह सकते हैं कि करेक्टनेस आती है, एक विजन आता है, वो इसके अलावा जो है वो पॉसिबल नहीं है। और हम कुछ किस्मत हैं कि इस पोस्ट मॉडर्न दौर में रह रहे हैं जहाँ पे हमें एक दूसरे तक जाने के लिए लाखों दूर जो सफ़र है वो बहुत क्लोज होके कुछ लम्हों का हो गया है, लम्हों से भी बल्कि कम है। मैं यहाँ बैठ के खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से अपनी वालदा जो बीमार थी तो उनको उनके डेथ बेड पे देख रही थी कि वो किस तरह जो है वो तकलीफ में थी, डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो ये सब का सब इस मीडिया के थ्रू पॉसिबल हुआ है।
आज हम देखते हैं कि श्रीनगर में या फाटा में या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर किसी भी तरह की कोई भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है तो ये मीडिया ही वाहिद एक चीज़ है जिसके थ्रू हम सब जो है वो आगाह होते हैं, फिर एक दूसरे के साथ सॉलिडरिटी करते हैं, फिर एहतजाज करते हैं। अब ये और फिर बहुत सारे और भी आप कह सकते हैं ये फिर नैरेटिव्स हैं। कुछ अर्सा पहले जो है बहुत चंद लोग जो थे वो सिर्फ या तो ये जानते थे कि जम्मू कश्मीर जो है वो या तो आप पाकिस्तान की नज़र से देख सकते हैं या आप हिंदुस्तान की नज़र से देख सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि जब से सोशल मीडिया आया है और मैं ये नहीं कहूँगी कि शऊर आज आ गया है, लेकिन शऊर फैला ज़रूर है आज के दौर में सोशल मीडिया के थ्रू। आज हम एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं और मैंने उन मुखालफीन को भी बैठ के हमारी बातें सुनते हुए देखा है, वो जानना चाहते हैं कि इनका मौकफ़ क्या है यार, ये कहते क्या हैं। और अक्सर के मुझसे कहते हैं यार बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं लेकिन हमें डर लगता है आपकी बातों से, हमें आपकी बातों के बाद सुनने के बाद या तो दिल चाहता है कि आपकी पार्टी में आ जाए, लेकिन फिर क्या करें, फिर हमारी सेफ्टी के भी इश्यूज़ हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और बड़ी दिलचस्प इशूज़ हैं बातें। तो अब उसके लिए ये सारी चीज़ें करने के लिए बीइंग एक्टिविस्ट बीइंग पॉलिटिकल पर्सन और मैं जो है ना इस चीज़ को चाहूँगी कि हमारा अपना स्टेट का एक व्यू होना चाहिए, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर उसकी अपनी आवाज़ होनी चाहिए और उसमें किसी भी तासिब के बगैर किसी भी प्रेजुडिस के बगैर तमाम जो नैरेटिव्स हैं उनको सुना जाए। मैं यहाँ तो ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मुख्तार कश्मीर के जो हामी हैं उन्हीं को ही सुना जाए, बल्कि मैं ये भी चाहूँगी कि क्योंकि जब तक हम क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते, हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, तो हम कभी भी किसी चीज़ पे जो है उसकी असलियत की तरफ या कहीं उसके अंदर बियॉन्ड द थिंग्स हम देख नहीं सकते। तो इसलिए हम ये भी चाहेंगे कि वो भी आएँ, वो भी आके अपनी बात करें, हम अपनी बात रखें और उसके बाद हम ज़्यादा बेहतर तरीके से एक तजिया कर सकें। और मेरा ख्याल है कि जो यू एन की एक रेजोल्यूशन है जिसके मुताबिक ये है कि 8 बार के जो कश्मीरी हैं उनको मिलने जुलने दिया जाए और उसके बाद फिर वो एक माइंड मेकअप है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो ये मीडिया जो है ये एक बेस्ट टूल है और मीडियम है इस सोशल मीडिया पे जो एक दूसरे की राय जो है वो कायम करता है और फिर हम सच ढूंढने में, फैक्ट्स ढूंढने में, फिगर्स ढूंढने में इससे फास्ट और इससे बेस्ट जो है हमारे पास ऑप्शन नहीं है वो कोई। और ये जो है रियासत के जो जबर हैं या रियासती जो मशीनरी जिस तरीके से इस्तेमाल होती है प्रोपेगेंडा की, आपके क्या उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही दौर है कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट मीडिया हो जो कि तमाम नैरेटिव्स को ऑन करे, जो तमाम नैरेटिव्स को पूरी खूबसूरती के साथ बयान करे, अपनी ही रियासत का नहीं बल्कि जो है वो बाकी जो जगह हैं, जो बाकी जो खिता है उसके अंदर से जो ऑप्रेस्ड नेशंस हैं, जो ऑप्रेस्ड आवाज़ें हैं उनको भी सामने लेके आए और इस तरीके से हमारे समाज के अंदर जो मसाइल हैं उनका भी हल मेरा ख्याल है इसी तरीके से होगा। कुछ अर्सा पहले रेप के ऊपर और जो जिनसी हरासा करने के जो इशूज़ हैं उनके ऊपर बात करना जो थी वो टैबू थी, वो इसी तरह था जैसे जैसे शर्मिंदगी का इजहार है ख्वातीन हैं या बच्चियाँ हैं तो वो मर्द हजरात बात करते तो सोचते थे कि एक कमरे से चली जाएँ तो हम डिस्कस कर लें, या हम अगर डिस्कस कर रहे हो तो हमारी मर्जी ये होती थी कि भाई बाप है या भाई है या बहन है ये बेटा है ये साइड पर हो जाए तो हम कहीं डिस्कशन कर लें। तो आप यहाँ से एक देख सकते हैं कि इस जैनी अब तरीका हम कितना शिकार थे। आज मीडिया की वजह से हर दूसरा तीसरा बंदा डिस्कस करता है कि हाँ भी रेप क्या है, जबरी यानी कि इंटरकोर्स एक जबर तरीके से करना ये क्या है। अब तो उसकी मज़ीद और भी किस्में आ गई हैं, मैंने समझती कि हम उसके ऊपर तफसील से जाएँ। बच्चों के साथ जो है ये सेक्चुअल जो हरासमेंट है, मोलेस्टेशन है, ये क्या चीज़ है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ मीडिया से ही आ सकती हैं, लेकिन मीडिया ने अभी भी उस तरीके से रोल नहीं प्ले किया क्योंकि बाज़ जगहों पे हमारा बदकिस्मती से ऐसे खिते से ताल्लुक रखते हैं कि जहाँ पे वो ये कोशिश करते हैं कि ये बात है ये हमारी ही बेइज्जती हो जाएगी अगर ये बात बाहर निकले। वो एक अकबरी और अस्करी की किसी ने एक बड़ी मजाया कहानी लिखी थी कि जो दोनों बहनें थी जो समझदार वाली थी वो ये करती थी कि घर का जो गम छम होता था वो उठा के बाहर फेंकती थी, सफाई करती थी घर की, तो दूसरी जो होती थी वो घर का गम जो है वो छुपा के रखती थी। ओके भाई इधर से नाक कटा दिया सारा गम बाहर फेंक दिया और देखो मैं कितनी अकलमंद हूँ मैंने सारा समेट के अंदर रख दिया। कुछ अर्से के बाद क्या हुआ कि जो बाहर फेंकती थी उसके बच्चे भी ठीक ठाक थे, सेहतमंद थे, उसका घर भी बच गया और जो अपना घर का तन अंदर ही छुपा के रखती थी उसके सारे बच्चे भी मर गए, उसके जानवर भी मर गए और अल्टीमेटली उसका घर ही खत्म हो गया। तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी किसी ने जब ये कहानी हम सब एक जो है उस पर लिखा तो हमारी हालत बिल्कुल वास्करी और अकबरी वाली कहानी है कि हम बच्ची का रेप होता है उसको छुपा लेते हैं कि पूरी दुनिया में ना पता चल जाए कहीं कि भाई इस मुल्क के अंदर जो है भाई एक
क्राइम है और क्राइम के बारे में लेजिस्लेशन होनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, लोग ताकि अपने बच्चों को सेव करें, उनके उनको पता हो, बच्चों को जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से जो है वो स्ट्रेंजर्स जो है वो क्या करते हैं और जो और इस तरह की जो जिंसी बीमारियां हैं या जो जहनीयत है लोगों की वो किस तरीके से कूक की जा सकती है। इसी तरीके से टेररिज्म है तो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए आप फोर्सेस नहीं कायम कर सकते, टेररिज्म के लिए आपको लोगों के दिमाग की नशोनुमा करनी पड़ेगी और वो उन नर्सरीज को खत्म करने के लिए कोई आप हजार फोर्सेज भी लेके आ जाए आप उसको कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक कि विद इन जो कम्युनिटी है लोग उनके खड़े नहीं होते। सेकुलर जिस वक्त तक लोगों का दिमाग नहीं होता उस वक्त तक आप इनको काउंटर नहीं कर सकते। अगर आप इनको काउंटर कर सकते होते तो मेरा ख्याल है कि नेटो की इतनी फोर्सेस पिछले जो है ना 10-15 साल से अफगानिस्तान के अंदर बैठी है तो वो तो सबके साथ तालिबान को खत्म कर चुकी होती। अंतिम वहां का जो मकामी बंदा है अंतिम वो बंदा जिसके जिसका बच्चा मरता है, जिसकी बेटी मरती है, जिसका बेटा मरता है उस तशद्दुद की वजह से, उस जुनूनियत की वजह से, जब तक वो नहीं उठ के खड़ा होता। और उसको खड़ा होने के लिए सबसे बेहतर बात यही है कि हम मीडिया के थ्रू लोगों को शोर दें। और बात बहुत लंबी हो गई, मैं पूरी कोशिश करती रहती हूँ कि बातें कम हों, लेकिन इतनी ज़्यादा बातें होती हैं कि वो कम नहीं हो सकती। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा रियासत का जम्मू कश्मीर जो टीवी है, चैनल है, बहुत फले फूले जो है ना वो जितनी बुजुर्गों की दुआएँ होती हैं वहीं पर लग जाए। लेकिन ये है कि इनको दुआएँ के साथ लगे और हम क्योंकि लालची लोग हैं तो हम इनसे ये भी उम्मीद रखते हैं कि हमारे मौकफ को ये लेके आगे रखें, उसको बढ़ावा दें और उसको सुना जाए। हम आपके चैनल हिंदी चैनल के थ्रू वो तमाम आवाज़ें सामने आएँ और जो है और ना ही इस 4000 मरबा मील के इलाके में जिससे मैं ताल्लुक रखती हूँ, बल्कि हम चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो है वो मेरी बहन या वो मेरा भाई जिसके बारे में मैंने सुना है या कहानियाँ सुनी होंगी लेकिन उसको मैं कभी बात नहीं कर सकती, तो इसके थ्रू हम उन तक भी जाएँ। पिछले दिनों में जो है वो पूंछ की ये खातून है जो जिन्होंने अपने फेसबुक के चैनल के थ्रू पूंछ की जो है ना भूमि, मेरा खाला नाम है उनका, माजर के साथ नाम नहीं मुझे इस वक्त भूमि शर्मा, तो जैसे वो हमें हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं तो अब ये चैनल भी मैं चाहूँगी कि उनकी भी आवाज़ बने और इस तरह हमारी आवाज़ें उन तक भी जाएँ और उन तक मेरा पैगाम जो मैं चाहूँगी कि आपके इस टीवी चैनल के थ्रू ये है कि हमें बहुत दुख है कि वो हमारे साथ नहीं है लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं। वो दे आर ऑलवेज वेलकम बैक, अपने घर आएँ और हम रियासत की तरफ से तो कोई उनके साथ जो है ना वो ये नहीं उनको गारंटी दे सकते कि वो उसको कितना अप्रिशिएट करेंगी या कितना वेलकम करेंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के इस हिस्से के लोग 4000 मरबा मील के लोग जो हैं वो उनको वेलकम करते हैं और वो एक मुकम्मल तौर पे सेकुलर लोग हैं और किसी भी मजहबी या किसी भी तासुब के शिकार नहीं हैं। और जो कुछ हमारे बुजुर्गों से गलतियां हुई या जिस तरह का भी था हम चाहेंगे कि उन सबको ख़त्म करके हम आगे बढ़ें और रियासत की इबादत के बारे में यही बात करेंगे कि इसके अलावा हम सब एक ही ब्लड लाइन से ताल्लुक़ रखते हैं तो सूनी लकीरें जो हैं वो फ़र्क नहीं डाल सकती। तो बहुत शुक्रिया।